हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ प्लस वन कॉमर्स। हमारा चैप्टर वन चल रहा है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। रिस्क मतलब बिजनेस में हमेशा ये चांस रहता है कि हो सकता है हमारा बिजनेस कामयाब हो या ना हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट्स ही होंगे। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क इंक्लूड हैं जिनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैं वैसे आपको आज बेसिक बताने जा रही हूँ। बिजनेस के जो रिस्क हैं वो इकोनॉमिक कॉज की वजह से होते हैं या नेचुरल कॉज की वजह से होते हैं, फिजिकल कॉज भी हो सकती हैं या फिर ह्यूमन कॉज भी हो सकती है। अब बिजनेसमैन को पहले सोच के चलना पड़ता है कि मुझे क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। उसे अपने सारे डिसीजंस उस हिसाब से लेने पड़ते हैं ताकि वो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहे। रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम सोचें हम आंखें बंद करके बैठ जाएं और हमें रिस्क कुछ नहीं कहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो हम बिजनेस रिस्क को फेस कर पाएंगे और इससे हमारा बिजनेस हिलेगा नहीं, अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे तो। कॉमन बिजनेस रिस्क कौन कौन से हैं? हो सकता है बिजनेसमैन की इनकम कम हो जाए, उसकी मशीनरी खराब हो जाए, हो सकता है उसे रॉ मटेरियल ना मिले या बिजली में प्रॉब्लम आ जाए, मशीनें वगैरह ना चलें, लेबर की प्रॉब्लम आ जाए, पैसा कम पड़ जाए, या फिर उसके प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस चेंज हो जाए, या उसका कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, या उसकी गुडविल मतलब रेपुटेशन कम हो जाए लोगों की नज़रों में, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रूल बना दिया जाए जो उसके बिजनेस को इफेक्ट कर दे नेगेटिवली। तो इन वजहों से बिजनेस में रिस्क अराइज हो सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ये बिजनेस का रिस्क आता क्यों है? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और हम उसके लिए जो प्रिडिक्शंस लगाते हैं वो सही हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर हमने जो अनुमान लगाया है उसके अकॉर्डिंग लोगों की डिमांड ना हो, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाए या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, तो इन वजहों से अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है और हमारा बिजनेस रिस्क पे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस हर बिजनेस में रिस्क इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो हम रिस्क को मिनिमाइज कम जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, अगर हम फ्यूचर को अच्छी तरह प्रिडिक्ट करके चलेंगे, सही से उसका अनुमान लगा के चलेंगे, तो हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस में कितना रिस्क है ये डिपेंड करता है कि हमारा किस चीज का बिजनेस है और हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं फैशन की प्रोडक्ट्स का, तो फैशन फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो इस मामले में रिस्क ज्यादा होगा। अगर हम नेसेसिटीज बेसिक नेसेसिटीज में डील कर रहे हैं, जैसे किराने की शॉप है, ये सामान की डिमांड हमेशा होती रहती है, तो उसमें रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, अगर हम ग्रैंड लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस भी लार्ज होगा, और अगर हम स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस रिस्क भी स्मॉल होगा। नेचर का लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ये जनरली कहा जाता है कि जितना बड़ा रिस्क हम उठाएंगे बिजनेस में हमारे प्रॉफिट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो उसे रिवॉर्ड भी मतलब प्रॉफिट्स भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम रिस्क उठाते हैं तभी हम बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। उसके लिए पहले हमें अपने आप को ये प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगर हम लूज भी कर दें सब कुछ तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। ये रिस्क हमें पहले उठाना पड़ता है, तो इस रिस्क को उठाने के बदले में हमें मिलते हैं प्रॉफिट्स। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, रिसर्च वगैरह कंडक्ट करनी पड़ती है कि हमने कैसा प्रोडक्ट तैयार करना है। अगर ये सारे रिस्क हम नहीं उठाएंगे तो हम कभी भी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉजेज, वो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।